हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया से होंगे। देखिए, इस समय टेम्परेचर 45 से डिग्री से अबव हो गया है। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी इस समय होने लगी है। देखिए, आज हम अपने एडेनियम को ग्राफ्ट करेंगे। तो एडेनियम को ग्राफ्ट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा जो ग्राफ्टिंग है 100% सक्सेस हो, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही ग्राफ्ट कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातें हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही देखिए, कुछ दिन पहले मैंने अपने एडेनियम ग्राफ्ट किए थे, तो उनका अपडेट भी मैं आज आपको दूंगी। देखिए, ग्राफ्ट करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो एडेनियम की देसी वेराइटी होती है उस पर हम ग्राफ्टेड एडेनियम यानी रोजी वेराइटी के एडेनियम की स्टेम कट करके उस पर देसी वेराइटी के एडेनियम पर ग्राफ्ट करके हम रोजी वेराइटी के एडेनियम ले सकते हैं। तो कैसे ग्राफ्ट किया जाता है, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। देखिए, जैसे ये हमारा देसी वेराइटी का एडेनियम है, ये सब देखिए, ये देसी वेराइटी के ये सीड से ग्रोन एडेनियम है। तो इन पे हम ग्राफ्ट करके, जैसे ये ग्राफ्टेड एडेनियम है, देखिए यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है, तो इस ग्राफ्टेड एडेनियम की कटिंग हम इन देसी एडेनियम पे लगा के इसको ग्राफ्टेड एडेनियम तैयार कर सकते हैं, यानी रोजी वेराइटी के एडेनियम हमें मिल जाते हैं। देखिए, ये रोजी वेराइटी के एडेनियम है, इसका भी मैंने ग्राफ्ट किया हुआ है। लाइट येलो कलर का और पिंक कलर की लाइनिंग इनके फ्लॉस में आती है, मल्टी पेटल के फ्लॉस हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से ये जो ग्राफ्टेड एडेनियम है, इनकी स्टैम्प्स लेके हम देसी एडेनियम पर ग्राफ्ट करके रोजी वेराइटी के एडेनियम के प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए, ये मेरे रोजी वेराइटी का एडेनियम है, इसमें पिंक कलर के मल्टी पेटल के फ्लॉस आते हैं, तो इसकी मैं इसी की स्टैम्प्स लेके इन देसी वेराइटी के जो एडेनियम है इन पे ग्राफ्ट करूँगी। देखिए, ग्राफ्ट करते समय एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि जिस भी प्लांट का आप स्टेम ले रहे हैं, जिसकी ग्राफ्ट आप एडेनियम पे करेंगे, तो वो जो प्लांट है वो एकदम हेल्दी होना चाहिए। और जो स्टेम्स आप लेंगे ग्राफ्ट करने के लिए, वो ग्रीन कलर के नहीं होने चाहिए, थोड़ी मैच्योर, थोड़ी पुरानी वो स्टेम होने चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। और बाकी जिस एडेनियम पे, जो देसी वेराइटी के एडेनियम जिस पे आप ग्राफ्ट करेंगे, जैसे मेरे ये एडेनियम्स हैं, तो ये भी हेल्दी होने चाहिए और लगभग एक साल से बड़ा एडेनियम होना चाहिए। ये नहीं कि 7-8 महीने के एडेनियम पे आप ग्राफ्ट करें तो वो सक्सेस नहीं होती है। तो ये ध्यान रखें कि एक साल से बड़ा प्लांट हो जिस पे आप ग्राफ्ट करें। और जैसे जब हम ग्राफ्ट करते हैं, तो जो स्टेम जैसे कट करेंगे इस प्लांट की, जैसे मुझे ग्राफ्ट इस प्लांट पे अपने करना है, तो तुरंत उसको कट करके तभी हमें लगाना होता है। ये नहीं कि हमने 1-2 घंटे पहले कट करके स्टेम तब उसको ग्राफ्ट करें, तुरंत हमें ये करना होता है। स्टेम कट करके इसके ऊपर हमें तुरंत ग्राफ्ट करना होता है, क्योंकि इसमें जो सैप सा निकलता है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। तुरंत उस कट को इस पर हमें ग्राफ्ट करना होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जो कटिंग आप लें मैच्योर हो, और जिस प्लांट पे यानी जो रूट स्टॉक आप ले रहे हैं वो भी हेल्दी हो और एक साल से बड़ा प्लांट हो। देखिए, अब हम ग्राफ्ट के लिए जब ग्राफ्ट करें तो कुछ सामान आप अपने पास रख लीजिए ताकि इधर उधर भागना नहीं पड़े। देखिए, इसके लिए ग्राफ्ट करने के लिए ग्राफ्टिंग टेप आता है, जो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या लोकल नर्सरीज पे भी मिल जाता है। और यदि आपके पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है, तो आप सिंपल जो पॉली बैग होते हैं उनकी इस तरह से ये लंबी लंबी स्ट्रिप्स इस तरह से काट लीजिए। ये देखिए, एक सीजर्स रखिए, सीजर्स साथ में रखिए, और कुछ रबर बैंड जिनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। और साथ ही देखिए, जब हम स्टेम कट करने के लिए आप जो भी कटर लें या नाइफ लें, वो शार्प होना चाहिए और स्टरलाइज होना चाहिए। देखिए, या तो आप कटर या नाइफ यदि लेते हैं, उसे अच्छे से स्टरलाइज कर लीजिए, क्योंकि इसमें फंगस वगैरह का डर रहता है। बाकी आप ये भी कर सकते हैं कि देखिए, ये ब्लेड हमेशा, मैं तो ग्राफ्टिंग करते समय नया ही ब्लेड यूज़ करती हूँ, तो वो सबसे ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि इसे तो स्टरलाइज करने की भी जरूरत नहीं होती और ये एकदम शार्प होता है। तो इस तरह से आप नया ब्लेड भी ले सकते हैं। तो देखिए, अब हम ये सामान अपने पास आप एक साथ रख लीजिए। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि कौन सी स्टेम हमें लेनी है। देखिए, मैं ये वाली स्टेम लूँगी। और किस पे, देखिए, जो ग्राफ्ट हम करते हैं, दो मेनली सबसे ज़्यादा ग्राफ्ट की जाती है। एक होती है बटन ग्राफ्टिंग या राउंड ग्राफ्टिंग कहते हैं, और दूसरी होती है वी ग्राफ्टिंग। देखिए, दोनों ही ग्राफ्ट हम आज करने वाले हैं। तो देखिए, ये मेरे कुछ प्लांट्स हैं, मैं इन दोनों पर ग्राफ्ट करती हूँ। देखिए, ये सबसे पहले हम इस पर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो भी स्टेम आपको लेनी है, देखिए ये मेरा रोजी वेराइटी का एडेनियम है, इसमें वैसे भी फ्लावर्स वगैरह इस समय नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ही स्टेम कट करके
इस पर ग्राफ्ट की जाए। तो इस तरह से हम इसको देखें कट कर लेंगे। एकदम ब्लेड शार्प होना चाहिए, एक कट में कट लगना चाहिए। और एक ये ध्यान रखिए, जहाँ से ये स्टेम कट की है यहाँ पे आपको फंजीसाइड जरूर लगा देना चाहिए। एक तो ये होता है कि देखिए जो स्टेम हमने कट की है उसकी जगह एक की जगह दो या तीन ब्रांच निकल के आएंगे, जिससे हमारा जो ये मदर प्लांट है ये भी बुशी हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमने ये स्टेम्स कट कर लिए, इसके जो लीव्स हैं ये हम रिमूव कर देंगे। एक देखिए जब आप जिस पे एडेनियम पे ग्राफ्ट करें तो ना ज़्यादा नीचे से होना चाहिए और ना ज़्यादा ऊपर से कट करें, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। ज़्यादा नीचे से कट करने पे ये होता है कि कई बार जब हमारी ग्राफ्टिंग सक्सेस नहीं होती है तो हमें दोबारा ग्राफ्ट करना होता है, तो वो ज़्यादा नीचे होती है तो वो सक्सेस नहीं होती है। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा ऊँचा ऊपर भी नहीं ग्राफ्ट करना और बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं। लगभग देखिए हम इस तरह। और एक ये ध्यान रखिए एकदम एक बार में ही ये कट होना चाहिए, कि एक कट करके हम इसे पहले टिश्यू पेपर से हल्का सा पोंछ लेंगे इस तरह से, फिर हम इसमें दूसरा कट लगाएंगे। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पहला कट लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा सैप निकलता है, अब जब हम इसको इस पर ग्राफ्ट करेंगे तो दूसरा कट लगा के हम इसे ग्राफ्ट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जैसे इसे कट करना है तभी इसका जो हम ये हम टैबलेट ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, जो राउंड ग्राफ्टिंग भी जिसको बोलते हैं, तो इस तरह से ये देखिए एक ये ध्यान रखना है कि जिस भी स्टेम को हम यहाँ इस पर ग्राफ्ट करेंगे उसमें ये देखिए ये आई होता है, ये नॉट आई होता है, ये वाला एरिया दो या तीन इसमें ज़रूर होने चाहिए जब ग्राफ्ट हम करें। तो देखिए इस तरह से लगभग एक इंच का ये हम लेंगे। सबसे पहले हम नीचे से एक कट और लगा के इस तरह से इसको कट करेंगे। एक बार में एकदम शार्प कट होना चाहिए और कट करने के तुरंत बाद हमें ये इस तरह से रखना। एक ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कई बार क्या होता है जो कटिंग हम लगाते हैं वो उल्टी लगा देते हैं, तो ये ध्यान रखना चाहिए जो ये आई होती है ये इस तरह से यू शेप की या कटोरी की शेप की होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से देखिए ये बिल्कुल इस पर हो गया है, इसे अच्छे से रखें, फिर देखिए इससे हमें इसको अच्छे से नीचे की तरफ प्रेस करना है इस तरह से, ये हिलने नहीं चाहिए, और अच्छे से प्रेस करके ताकि इसमें बिल्कुल एयर लॉक हो जाए, एकदम एयर टाइट ही हो जाए, बिल्कुल हवा नहीं इसमें लगे। इस तरह से हम इसको खींच के नीचे की तरफ प्रेस करके इस तरह से टाइटली बंद कर देंगे। ये हमारी टैबलेट ग्राफ्टिंग हो गई। इस तरह से इसको टाइटली हम बंद करके ऊपर से किसी पॉली बैग वगैरह से ढक देंगे, ताकि जैसे बारिश भी आई या मॉइस्चर, इसमें बारिश आए तो बारिश का पानी नहीं इस पर पड़े और मॉइस्चर भी मेंटेन रहे। इस तरह से देखिए हम एक महीने लगभग इसको इस तरह से ये पॉली बैग से कवर करेंगे। ट्रांसपेरेंट पॉली बैग से कवर कीजिए, इससे क्या होगा कि जब इसमें स्प्राउट्स दिखाई देंगे या जैसे स्टेम्स निकल के आएंगी तो वो दिखाई देने लगती हैं, और फिर तब हम ये पॉली बैग हटा लेंगे। एक चीज़ हमें और ये ध्यान रखनी है कि जब हम ग्राफ्ट करें, जिस भी एडेनियम पे हम ग्राफ्ट कर रहे हैं उसमें एक दो दिन पहले से पानी आप नहीं दीजिए। देखिए मेरे ये जो जिस पर मैंने ये ग्राफ्ट किया एकदम सॉइल ड्राई हो रही है, तो ये ध्यान रखिए कि एकदम सॉइल एक दो दिन पहले से पानी आप उसमें नहीं दीजिए। इस तरह से ग्राफ्ट करने के बाद तुरंत पानी नहीं देना है, वरना ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। और इसे ग्राफ्ट करने के बाद इस तरह से पॉली बैग से कवर करके 1 वीक के लिए हम इसे सेमी शेड में रखेंगे, जहाँ ब्राइट लाइट आती हो लेकिन धूप नहीं आती हो। और 1 वीक के बाद इसको हम आउटसाइड धूप में रखेंगे, लेकिन इस समय चूँकि देखिए मई का मंथ चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो तब भी हमें 1 वीक के बाद भी इसको फुल सनलाइट में नहीं रखना है। बस 1 वीक के बाद ऐसी जगह हमें इसको रखना है आउटसाइड, जहाँ सुबह की सिर्फ 3-4 घंटे की धूप इसको मिले। यदि तेज़ धूप में पूरे दिन ये रहेगा, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो ये जो ग्राफ्टिंग है इसकी फेल हो जाएगी। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो हमने देखिए टैबलेट ग्राफ्टिंग की, अब हम इस पे वी ग्राफ्टिंग करेंगे। देखिए इस वाले प्लांट पे हम वी ग्राफ्टिंग करेंगे। देखिए अब हम इस पे वी ग्राफ्टिंग करेंगे। देखिए ये तो टैबलेट ग्राफ्टिंग या राउंड ग्राफ्टिंग होती है। वी ग्राफ्टिंग करने के लिए हम देखिए इसमें इस तरह से, ज़्यादा नीचे भी नहीं, इस तरह से
एक कट लगाएंगे। अभी देखिए एकदम स्ट्रेट नहीं है, तो इसे हम पहले एकदम स्ट्रेट कट होना चाहिए इस तरह से। अब इसे बीच में से हम हल्का सा कट करेंगे। ताकि हमारी वो जो स्टैम्प है वो इसमें फंस जाए इस तरह से। देखिए और देखिए जिस स्टैम्प को हमें इसमें हम ऊपर का ये पार्ट लेंगे इस तरह से, देखिए इसको ऊपर से कट कर लेंगे। और कट करने के बाद देखिए इस तरह से हम इसे जैसे पेंसिल को शार्प करते हैं इस तरह से इसे शार्प करेंगे, ताकि इसमें जो कट हमने लगाया है इसमें ये फिट हो जाए। इस तरह से ये देखिए ये हमारी इसमें सेट हो गई है। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये वी ग्राफ्टिंग होती है, जैसे हमने जो राउंड वाली ग्राफ्टिंग की है उसमें तो पॉली बैग हम एक महीने में हटा देते हैं, लेकिन इसका जो होता है ये थोड़ा सा टाइम लेती है। इसे एक 30 से 45 डेज लगभग लग जाते हैं। इस तरह से देखिए जहाँ से हमने इसको वी ग्राफ्ट किया है अच्छे से पॉली बैग से इसको कवर कर देंगे। देखिए हमने जब वी ग्राफ्टिंग करी है इसकी, तो ये ऊपर से जब हम स्टैम लेते हैं तो ये हल्की सी ग्रीन होती है। एक्चुअली वी ग्राफ्टिंग में आप यदि ऊपर की स्टैम ग्राफ्ट करें तो वो ज़्यादा सक्सेस रेट उसका बढ़ जाता है। तो वो एक्चुअली नीचे से देखिए ये काफ़ी ब्राउन सी है, मैच्योर है, लेकिन ऊपर चूँकि हमने टिप से इसकी कटिंग ली है वी ग्राफ्ट में तो इसलिए थोड़ी सी ग्रीन है। तो इस तरह से ऊपर की वी ग्राफ्टिंग आप यदि लें तो ऊपर की स्टैम लें तो वो सक्सेस रेट उसका बढ़ जाता है। इस तरह से इसको देखिए हम इसे कवर कर देंगे और इसे 1 वीक के लिए सेमी शेड में रख देंगे। और फिर और देखिए जब अभी हम ग्राफ्ट करने के तुरंत बाद हमें पानी इसमें नहीं देना है, तो जब इसकी मिट्टी ड्राई हो जैसे 1 या 2 दिन बाद तब पानी दें, फिर 1 वीक के बाद पानी दें। तो इस तरह से आप वैसे इसमें 15 से 20 दिन में हल्का सा स्प्राउट्स या जो थोड़ा फुटाव है वो दिखाई देने लगता है, लेकिन पूरी तरह जो ग्रोथ होती है वो लगभग 1 महीने में आती है। जैसे जो ये वाली है इसमें थोड़ा और टाइम लग जाता है, 45 डेज के करीब इसमें लग जाता है। और एक ग्राफ्ट करते समय एक ये चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि कई बार क्या होता है कि हम इसका पॉली बैग हटा के चेक करते रहते हैं कि इसमें ग्रोथ हुई या नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। कम से कम 15 या 20 बाद आप इसको पॉलीबैग हटा के चेक कीजिए कि इसमें स्प्राउट आने लगा है या नहीं। बार बार इसका पॉलीबैग हटाने से क्या होता है, जो ग्राफ्ट है वो हिलने का डर रहता है, जिससे जो ग्राफ्टिंग है वो फेल हो सकती है। देखिए ये जहाँ से हमने ये स्टेम कट किया था वहाँ पे फंजी साइड आप जरूर लगाइए, और फंजी साइड आपके पास नहीं हो तो आप हल्दी पाउडर लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ से वरना फंगस वगैरह का डर रहता है। अब देखिए मैंने कुछ दिन पहले एक कम से कम 15-20 दिन पहले कुछ अपने डेनिम ग्राफ्ट किए थे, उसको 15 से 18 ही दिन लगभग हुए होंगे, तो मैं देखिए उसका अपडेट आपको दिखाती हूँ। अभी तक मैंने इसको चेक नहीं किया है, देखते हैं कि इसमें ये स्प्राउट या फुटाव इसमें आने लगा, यानी धीरे से पॉलीबैग इसको हटाना है। देखिए यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ये देखिए हल्का सा इसमें ये दिख रहा है, हल्का सा ये देखिए फुटाव से दिखा है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से 15 या 16 ही दिन इसमें हुए हैं। ये देखिए हल्का सा दिख रहा है इसमें भी, ये बटन ग्राफ्टिंग है, चूँकि इसमें देखिए अभी हल्का ही है तो इसको हम इसलिए अभी ढक देंगे ताकि इसका जो इसमें मॉइस्चर है वो मेनटेन रहे। ये भी लगभग मैंने 15 से 18 दिन लगभग हुए होंगे, तो मैं देखती हूँ कि देखिए इसमें भी कुछ इसकी इसमें कुछ स्प्राउट इसका बना है या नहीं। ये देखिए इसमें देखिए ये काफ़ी स्प्राउट इसका ये दिखने लगा है, काफ़ी फुटाव इसमें आ रहा है। ये देखिए क्योंकि अभी 15 ही दिन लगभग इसमें हुए हैं, 1 महीने से लेके मतलब 30 से 45 डेज इसमें लग जाते हैं आराम से। अभी चूँकि देखिए हल्का सा ही इसमें ये आया है तो इसलिए हम इसे ढक देंगे। देखिए यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है, ये
ये देखिए, मुझे पर्सनली जो है बटन ग्राफ्टिंग ज़्यादा सही लगती है, उसके सक्सेस जो रेट होते हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह से अभी हम इसको ढक देंगे, क्योंकि जब तक अच्छे से स्टैम्प्स इसमें नहीं आती हैं निकल के, तब तक इसको पॉलीबैग से ढकी देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहता है, जिससे स्टैम्प्स जल्दी निकल कर आती हैं। देखिए, ये मैंने लगभग 30 या 40 डेज हुई होंगे ग्राफ्ट किए हुए। देखिए, यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है, यदि आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ से ये ग्राफ्ट किया हुआ है, और इसमें ये देखिए स्टैम्प्स, और काफ़ी बड़ी बड़ी इसकी लीव्स हो गई हैं। ये देखिए, रोजी वैरायटी का पिंक कलर का ही मल्टी पेटल का मैंने इसमें एडेनियम ग्राफ्ट किया हुआ है। तो देखिए, ये एकदम सक्सेस हुआ है और काफ़ी बड़ी लेस हो गई है। तो जब इतनी लेस इसकी निकल आए, तब आप इसको फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं। लेकिन यदि कोशिश कीजिए, जैसे मेरा जो गार्डन है वो ईस्ट फेसिंग है, और उसमें सुबह 6:30 से लेके शाम 6 बजे तक बहुत तेज़ धूप रहती है। तो लेकिन जब थोड़ी सी ग्रोथ हो, जैसे इतनी भी ग्रोथ है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ सिर्फ 4-5 घंटे की धूप आए, क्योंकि अभी जो इसकी लेस होती हैं वो बहुत सॉफ्ट होती हैं, डेलिकेट होती हैं, तेज़ धूप से इनके ख़राब होने का डर रहता है। और क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि ग्राफ्ट हमने किया, उसमें स्प्राउट्स भी आ गया, लेस भी आ गई, लेकिन वो इतनी डेलिकेट होती हैं कि हम उसे एकदम तेज़ धूप में रख दें तो ये ख़राब हो सकता है। देखिए, वैसे जो ग्राफ्टिंग का बेस्ट टाइम है वो फरवरी लास्ट या मार्च से लेके मई तक होता है। बाकी आप 15 जून तक भी इसको ग्राफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वेदर बिल्कुल सही रहता है। यहाँ से देखिए ग्राफ्ट किया हुआ है, तो 30 से 40 डेज या 45 डेज में अच्छे से देखिए इसमें स्प्राउट्स दिखने लगती हैं, अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। तो इस तरह से आप कुछ बातों का ध्यान रखिए, और अब ग्राफ्ट करके अपने जो देसी वैरायटी के एडेनियम है उन्हें ग्राफ्टेड एडेनियम यानी रोज़ी एडेनियम में चेंज कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि आपके पास रोज़ी वैरायटी के और अलग अलग कलर्स के एडेनियम मिल जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और प्लांट से रिलेटेड कॉन्टेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, बाय बाय।